हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक और अकाउंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बैक टू बैक 8 से 10 अकाउंट आप लोगों को दिखाऊंगा। 4 अकाउंट ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, उसका परफॉर्मेंस आप प्लीज़ यूट्यूब पर वीडियो बना के दे चुका हूँ। आज 5th अकाउंट यानी कि अकाउंट नंबर 5 की बारी है। आइए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ, पैसा तो बनता है कैसे, चलिए देखते हैं। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन में, राइट, यहाँ पे एक अकाउंट है, दूसरे आईडी है, प्योर फ्रेश आईडी, और यहाँ पे देखिए आप अवेलेबल मार्जिन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आज भी हमने 39,000 का नेट प्रॉफिट इसमें बुक किया है। सोचो कितने का इन्वेस्टमेंट था, 1,61,000। ओके, 1,61,000 में 39,000 का आज प्रॉफिट हमारा है, यानी कि टोटल 2 लाख रुपीज हो गया है। ओके, अब डैशबोर्ड में चले जाते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में देखिए बॉस, इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया था, इस अकाउंट में मैंने पैसा कितना डाला था, ठीक है। तो ये जो पेइन है आप खुद देख सकते हैं, ये जो पेइन है, इस पेइन में देखिए यहाँ पे मैंने इसको, मैं रिफ्रेश आपके लिए, ये देखो यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट कर देता हूँ, तो ये इस तरह से आता है, देखिए लाइव आपके सामने है पोजिशन, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, देयर इज नो हिडन। और हम उनमें से नहीं कि एक जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन दिखाते हैं, उनमें से नहीं कि जिस दिन लॉस होगा उस दिन नहीं दिखाते हैं भाई, ट्रस्ट मी। और मैं आपको दिखाने का एक ही मंत्र है कि बॉस आपको समझ में आए किसको फॉलो करना है। और हाँ, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ सट्टा, पैसा बनता है। आओ, क्या बताया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट, डेट देखिएगा भाई, 22 जुलाई को मैंने 20,000 का पे इन किया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे 30,000 का, 30,000 का पे इन मैंने 24 जुलाई को किया, यानी कि 2 दिन के बाद किया। टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बताइए आप, 30 एंड देन 20, यानी कि कितना हुआ मेरा टोटल, 50,000 का इन्वेस्टमेंट। अब पे इन को, मैं पे आउट को खोल लेता हूँ, पे इन को बंद कर देता हूँ। अब पे आउट इन द सेंस, आप लोगों को याद होगा मैं चीख चीख के आपके सामने चिल्लाता हूं कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट एटीएम मशीन है, उससे आपको पैसा निकालना है। ऐसा नहीं कि उसमें से पैसा भरे जा रहे और कोई मार्केट से आपका पैसा आपके अकाउंट से खींचता जा रहा है ना, आपको पैसा उसमें से निकालना है। एटीएम मशीन देखा है ना, सेम एटीएम मशीन की तरह ट्रेडिंग अकाउंट में स्वाइप करना है, वहां से पैसा आपका आना चाहिए। और मैं बोलता हूं बार बार, देखिए प्रूफ आपके सामने है, 26 तारीख को मैंने 10,000 का पे आउट निकाला, उसके बाद देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे 20,000 का पे आउट निकाला मैंने 2 तारीख को, उसके बाद 8 तारीख को निकाला 15,000 का, उसके बाद 13,000 का, उसके बाद ये देखिए 10,000 का पे आउट निकाल चुका हूँ, आफ्टर दैट 15,000 का पे आउट निकाल चुका हूँ। डेट अपने आप देखते रहना भाई, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। 23 तारीख को मैंने 10,000 का पे आउट निकाला है और 501 रुपए का, उसे फायदा ही 500 का कुछ हुआ था, तो 500 कुछ मतलब हुआ था, तो मैंने 501 रुपए ही शगुन के नाम पे निकाल लिए थे, क्योंकि भैया चाहे 100 रुपए हो, चाहे 500 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 5 लाख हो, पैसा बन रहा है, निकालो। ये नहीं कि 500 रुपए तो छोड़ दो, थॉट प्रोसेस, डिसिप्लिन बोलते हैं इसको, मैं बार बार बोलता हूँ ना, डिसिप्लिन से पैसा बनेगा, थॉट प्रोसेस सोचो, ठीक है। तो ये 2 पेन किए थे, उसके बाद देखो आपके सामने रिजल्ट है मेरे भाई, परफॉर्मेंस है, ये देखिए अकाउंट वैल्यू आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 1,61,000 तक का। अच्छा, अब आ जाओ जीरोधा 60 डेज चैलेंज, चलता हूँ मेरे भाई कंसोल पे गए, राइट। इस कंसोल पे जाने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए बॉस रिपोर्ट पे गए, रिपोर्ट पे जाने के बाद 60 डेज चैलेंज की बात करूंगा। हार्डली 17 डेज हुए हैं, 17 दिन हुए हैं, आज का नहीं मिला है, आज को मिलाऊंगा तो वो छोड़ दो, कल बाद में आपको एक हफ्ते फिर अकाउंट ये वाला दिखाऊंगा। देखिए कितने दिन, 43 डेज लेफ्ट, यानी कि ओनली 17 डेज हुए हैं, और 17 डेज में ऑलमोस्ट 1,69,935 रुपीज का प्रॉफिट है 17 दिन के अंदर बॉस,
इन्वेस्टमेंट देख लो, रिटर्न देख लो, आरओआई सब कुछ आपके आंखों के सामने है। नो हिडन, नो ब्ला ब्ला कि जिस दिन प्रॉफिट कमाते हैं उस दिन डालते हैं। कुछ बोल रहे थे ना लोग कि जिस दिन प्रॉफिट आता है उस दिन स्क्रीनशॉट डाल देते हो। नहीं भाई, फिर बोल रहा हूँ, गलत फहमी में हो, हर आदमी गलत नहीं होता, कुछ लोग सच्चे भी होते हैं। नियत देखो, नियत पहचानो सामने वाले की बनते की। मुझे कोई जरूरत नहीं आप लोग का अकाउंट दिखाऊं, फिर भी दिखा रहा हूं, क्यों? समझ में आए, डिफरेंस पता चले लाइफ में, अभी तक किसको फॉलो करते आ रहे थे और अब किसको फॉलो करना है, आपको समझ में आए डिफरेंस कि बॉस कुछ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। चेक 60 डेज चैलेंज भी दिखा दिया और मेरे भाई आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ ले चलता हूं। देखो भाई कितने दिन मैंने ट्रेड किए आपके सामने हैं और अकाउंट में कब पैसा डाला था वो भी आपके सामने मैंने बताया था, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है? अब परफॉर्मेंस, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इन जुलाई इटसेल्फ, बॉस अभी एक हफ्ता अभी पिक्चर मेरी बाकी है दोस्त। देखो ये मंडे को, आज जो 27 तारीख का, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, 39,000 का यहाँ पे अपडेट आएगा जो आज हमने इनकम किया है इसमें, राइट? उसके बाद चार दिन और बचे हैं, चार दिन होने के बाद फिर आपको मैं रिव्यू दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट स्टिल देख लो बॉस, जुलाई पूरा का पूरा ग्रीन है। कैसे ग्रीन? आप देखिए 11,922 प्रॉफिट, 2 तारीख को 11,800, 3 तारीख को 7,000 का प्रॉफिट, 10 तारीख को 12,000 का प्रॉफिट, 5,000, 15,000, 13,000, 1,800, 25,000, 4,700, 13,000, 6,141, 22,587 और उसके बाद 41,000, 10,608, 6,710 रुपीज और आज का जो प्रॉफिट है 39,000, ठीक है? ये हो गया जुलाई, ग्रीन, पूरा ग्रीन, 100% एक्यूरेसी लेवल, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या, अभी चार दिन बचे हैं इसलिए मैंने ऑलमोस्ट बोला है। मंडे आज का प्रॉफिट आ गया है, चार दिन अभी भी बचे हैं, तो मैं चाहता हूं प्लीज ब्लेस मी, चारों का चारों दिन भी हमारा प्रॉफिट है, तो हम दंगे की चोट पे अपने ट्रॉलर्स को बोल सके बॉस दिस इज पावरफुल। 30 डेज में से 22 दिन के 22 दिन प्लस में हो आप, ये मैटर नहीं करता 100 रुपए, ये मैटर करता लॉस नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है। तो जुलाई मंथ में 1,89,000 का नेट प्रॉफिट है सिर्फ जुलाई जुलाई में। इससे पहले जो हमने ट्रेड किया था बॉस, देखो 22 तारीख को 700 रुपए का नुकसान, नुकसान देखना, छोटा चिंदी स्टॉप लॉस 700 रुपए का नुकसान, राइट? 4,181 का प्रॉफिट, उसके बाद 24 तारीख को 5,600 का नुकसान एक हुआ है, दो लॉस हुए, 5,600 और आपका 700, आप कैलकुलेट कर लो भाई साहब, ऑलमोस्ट 6,500 से भी कम का नुकसान है और 4,450 प्रॉफिट, 9,900 प्रॉफिट आपके सामने, 8,000 प्रॉफिट, 8,100 प्रॉफिट, 1, 2, 3, 4, 5 सेवन डेज में से 5 दिन प्रॉफिट में, बाकी 2 नुकसान जिसमें 6,000 के आसपास, 6,500 के आसपास नुकसान है। अपार्ट फ्रॉम दिस टोटल आउट ऑफ मैंने ट्रेड जो लिया 23 डेज का ट्रेड लिया है, 23 डेज में टोटल प्रॉफिट जो है हम लोगों का बॉस 2,17,300, कैलकुलेट योरसेल्फ, आप समझदार, 2,17,000 का 23 दिन में प्रॉफिट निकाल के दिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 50,000 का है। नाउ यू कैलकुलेट हाउ मच आरओआई कम्स इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना कितना परसेंट आरओआई हुआ है इफ यू ट्रेडिंग द स्टॉक मार्केट, और मुझे फॉलो कर रहे हो कमेंट सेक्शन में इमीडिएट बेसिस पे बताओ कितना परसेंट आरओआई अकाउंट में हुआ है। बाकी बॉस फिर बोलूंगा, पैसा बनता है पैसा, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ सट्टा, इंपॉर्टेंट इज 14 साल का एक्सपीरियंस है सर, बैठा हूँ मार्केट में सुबह शाम मेहनत करता हूँ तब जाके थोड़े बहुत पैसे, मेरे से भी बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट में करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, बट ये आपको मैं छोटा अकाउंट दिखा रहा हूँ, क्यों? एक नहीं दो नहीं, बैक टू बैक इतने सारे, पांच, ये फिफ्थ अकाउंट है, वाई? समझ में आए, पांच पांच अकाउंट में, अभी देखो और चार पांच अकाउंट लेके आता हूँ, उसके बाद बैक टू लाइन लगा दूंगा सर, जड़िया लगा दूंगा, जड़िया, फिर बोल रहा हूँ दिमाग का ढक्कन खोलो, नो ब्लाबला काम बोलता है, और वायरल करो इसको जिससे कि कोई भी आप लोगों का भाई
या फिर कोई भी मार्केट में जो ट्रेड करता है कहीं गलत जगह पे ना फंसे। हमारा मंत्र किसी टिप्स वाले को पैसा नहीं देना है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में कॉल दे रहा हूँ, फॉलो करिए और खुद से एजुकेट योरसेल्फ। एक ही मंत्र है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का, एजुकेट योरसेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, सीखो, मुझसे नहीं किसी से भी सीखो, लेकिन जो पैसा कमाता है उससे सीखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल या फिर परसों एक दो दिन में एक और नया अकाउंट लेके आता हूँ। स्टे ट्यून विद अस, घर पे रहिए, सेफ रहिए और प्लीज गाइस अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखिए।